जो कोरोना पॉजिटिव था वो ख़त्म हुआ, तो ये होता है कि उसके जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट के लोग हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए ताकि उनका सैम्पलिंग किया जा सके। तो पुलिस ने कल उनकी पत्नी और बड़े बेटे को तो उठा लिया था, लेकिन उसके दो बेटे अभी रह गए थे घर में और एक उसका भाई जो उसी घर में रहता है। हम सुबह थाना नागफनी पहुँचे, वहाँ से हमने फोर्स ली और फोर्स लेके ये तय हुआ कि चूँकि उसी घर में इमरान रहता है, महिला और बच्चे अभी फ़िलहाल छोड़ दिए जाएँ, उन्हें नहीं लिया जाए, उनका सैम्पलिंग हम घर से करा लेंगे लेकिन इन पुरुष जो है उन्हें ले लिया जाए। और एक भाई उनका और है सरताज का जो था, उसका बेटा जिसने कंधा दिया था। तो बस हम चार लोगों के लिए पहुँचे, उन लोगों को हमने संपर्क किया, वो तैयार हो गए हमारे साथ आने के लिए। उसमें से एम्बुलेंस आने में लगभग 15-20 आधा घंटा लग गया होगा, एम्बुलेंस आई, हमने सबको बैठा लिया। बस हमने बैठाना ही था, इतनी देर में आसपास के लोग इकट्ठा हो गए कि क्यों ले जा रहे हो, क्या बात है, और खाना नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, भूखा रखते हैं पानी, भैया ऐसा कुछ नहीं है, और आप DM साहब से पूछो अगर ऐसी कोई बात है वो जिले के मालिक हैं बता देंगे आपको कुछ, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई कुछ खबर है नहीं, आपको गलत खबर है। बस इतनी देर में आकर बैठे होंगे, बस इतना ही हुआ था कि एकदम वो हल्ला हो गया, मारो 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 मारो, बस वो एम्बुलेंस, वो चारों एम्बुलेंस उतर के भाग गए अपने घर और एम्बुलेंस वाला एम्बुलेंस लेके भागा। तो एक फार्मासिस्ट हमारे साथ, जो मैं और एक फार्मासिस्ट एप्रिन में थे, तो फार्मासिस्ट तो उस गाड़ी में भाग गया, मैं रह गया अकेला, तो मैं पैदल भागा। तो सामने से एक चौक फेंक के मारा किसी ने, तो मैं चुकी गिर गया नीचे, चश्मा भी मेरा गिर गया, मैं उठा कर फिर भागा। तो पीछे से फिर किसी ने डंडा मारा, तो मैं फिर गिर गया, तो मुझे लात घूसों से फिर मारना शुरू करा, लेकिन कहाँ से कोई एक बुज़ुर्ग आए बेचारे, वो मुझे फिर सहारा देकर ले गए क्योंकि खून काफ़ी बह रहा था। तो फिर ऐसे जो मुगलपुर आज की देर में आ गए तो फोर्स आने लगी, ऐसे जो मुगलपुरा मुझे अपने साथ बैठा कर थाने तक ले गए।